हाई एवरी वन, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ फैशन विद चेतना और आज के वीडियो में मैं करने जा रही हूँ डिजीटेक रिंग लाइट 18H का अनबॉक्सिंग। एंड अभी तक मेरे पास कोई भी रिंग लाइट नहीं थी। मैं जितने भी वीडियोस बना रही थी वो नेचुरल धूप में बना रही थी या फिर रात में कभी बनाती थी, तो वैसे रात में मैं नहीं बनाती थी क्योंकि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए तो मैं नॉर्मल जो लाइट होती उसमें बनाती थी या फिर नेचुरल लाइट में बनाती थी। सो, अभी मुझे ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं लगी कि मैं रिंग लाइट परचेस करूं, बट अजय ने बोला कि तुम परचेस कर लो, आगे पीछे ख़रीदनी तो है ही जब इसी पे वर्क करना है। तो सो, हमने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी वाली रिंग लाइट ख़रीद लेते हैं क्योंकि डिजीटेक में बहुत सारी रिंग लाइट आती है, 1600-1700 विथ स्टैंड आपको मिल जाती है। बट हमने फर्दर फ्यूचर को सोच के कि हमारा कैमरा और हमारा फ़ोन भी इस पर सेट हो जाए और बहुत अच्छी क्वालिटी की रिंग लाइट हमें मिले, सो हमने डिजीटेक की 18H वाली ऑर्डर करी है और रिसेंटली अभी हमें मिली है। तो अभी हम आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग करके बताएंगे कि वो कैसे वर्क करती है, वर्थ है या नहीं है। और इसका जो अमाउंट हमने पे किया है 4,200 रुपीज़, 199 रुपीज़ ऐसा कुछ पे किया है। सो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कैसी आई है इतना अमाउंट पे करने के बाद, सो अभी आपको दिखाते हैं। चलो देखिए, तो ये रही मेरी रिंग लाइट, फाइनली आ गई है मेरे हाथ में। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। पैकिंग बहुत अच्छी लग रही है इसकी। हाँ, खोल दिए। टन टना, ये रही। वाह, कितने अच्छे बैग में आई है। अब मैं ना इसको स्टैंड के साथ में लगा के रखूँगी और ऊपर से ये बैग कवर्स कर दूँगी। बैग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बात ये है। ये रही मेरी रिंग लाइट, बहुत ही अच्छी है, बहुत ब्रॉड है यार। मतलब इसमें तो मैं अपना मेकअप बहुत अच्छे से दिखा पाऊँगी, ड्रेसअप भी बहुत अच्छे से दिखा पाऊँगी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी चाहे मैं नाइट में शूट करूँ, क्योंकि पहले मुझे ये रहता था कि एक्चुअल कलर ऑडियंस को नहीं पहुँचेगा, बट ये वाली रिंग लाइट देख के मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा ये मुझे व्यू देगी, मेरी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। अभी देखते हैं इसको स्टैंड पर लगा के। ऐसे जो ये बैग आया है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, लाइक जब मैंने अपना DSLR परचेस किया था जो कि निकॉन का मेरे पास में है, तब उसका बैग जिस क्वालिटी का आया था, फॉर्म वाला बहुत ही अच्छा, उस टाइप का ये बैग आया है, बहुत ही अच्छा खासा आया है। और इसके साथ में मुझे मिला है ये, आई थिंक स्टैंड पे कैमरा लगाने का लग रहा है मुझे, और ये उसका पावर प्लग। सो, इसको अभी मैं अटैच करके दिखाऊँगी, उससे पहले हम स्टैंड भी ओपन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिंग लाइट पे यहाँ पे शायद आप अपना फ़ोन अटैच कर सकते हो, यहाँ पे माउंट लगेगा जिस पे कैमरा लग जाएगा, और ये दो आई थिंक रिंग लाइट का कलर चेंज करने का ऑप्शन है, लाइक थोड़ा सा वार्म लाइट और वाइट लाइट के हिसाब से है, लाइट के हिसाब से। और ये ऑन ऑफ बटन है और पीछे ये आप जो पावर सप्लाई होती है वो होती है। और उसके साथ में यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आप अपना बैटरी अटैच कर सकते हो, लाइक कभी करंट नहीं आ रहा होता और आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी होता है तो वह यहाँ पर अटैच कर दोगे तो आपके वीडियो का काम हो जाएगा। सो, अभी इसको स्टैंड पर लगा के देखते हैं। हाँ, बट इसके साथ में आपको कोई बैटरी नहीं मिली, सो आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। एंड ये रहा स्टैंड। भारी है ये स्टैंड, मतलब इसमें एक 1 kg तो मुझे लग ही रहा है, 1 kg नहीं तो 500 ग्राम तो हो गए, मोर देन 1 kg तो मुझे ये लग ही रहा है, मतलब बहुत भारी है। लेकिन अच्छा है ना, भारी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक मेरे पास ऑलरेडी ट्राइपॉड है, बट मैंने रिंग लाइट का जो स्टैंड होता है विथ स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना कि आपको जैसा कि मेरा आपको पता है कि शॉपिंग हॉल के ज़्यादा वीडियो रहते हैं, तो मुझे शॉपिंग हॉल के लिए अलग और ऑडियो के लिए अलग दो ट्राइपॉड चाहिए होंगे। वैसे मेरे पास एक छोटा ट्राइपॉड भी है, तो मैं उस टाइम पे भी दोनों ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने रिंग लाइट का विथ स्टैंड ले लिया, तो मुझे थोड़ा सस्ता भी पड़ गया और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मेरे पास अब 3 ट्राइपॉड हो जाएंगे विथ रिंग लाइट वाला भी इंक्लूड करके। सो, अभी ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा भारी और टाइट है। So, ये यहाँ पे नोट है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये 6 फिट का स्टैंड इसके साथ में आपको मिलता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप 18
18H की जो रिंग लाइट खरीदोगे तो आपको 3600 में पड़ेगी, और स्टैंड अलग से परचेस करोगे तो आपको 700 या 800 में पड़ेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप रिंग लाइट ले रहे हो तो विथ स्टैंड की डिजिटेक की ले लीजिए, तो आपको 4100 समथिंग में पड़ेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। अलग अलग परचेस करने में कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर रिंग लाइट आ जाएगी, फिर आप स्टैंड के लिए वेट करोगे, क्योंकि जो ये वाली रिंग लाइट है वो आपके पास जो भी ट्राइपॉड होगा उसमें अटैच नहीं होगी। सो बेटर है कि आप रिंग लाइट के साथ में स्टैंड ले लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं होता, जो भी नया नया चैनल बनाते हैं वो रिंग लाइट ले लेते हैं, बाद में स्टैंड अलग से ऑर्डर करते हैं। सो बेटर है कि आप रिंग लाइट विथ स्टैंड आप ऊपर कैप्शन पढ़ लें जब भी आप ऑर्डर करो। ये मैंने अमेजोन से परचेस करी, सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गई। सो अमेजोन पे मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए मैंने वहीं से परचेस करी है। सो अब मैं इसको अटैच करके बताती हूँ आप लोगों को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसकी हाइट कितनी है पहले देख लेते हैं ना इसकी। अच्छा तो अराउंड 6 फीट तो है इसकी यार हाइट। स्टैंड भी ठीक है यार, मजबूत है, इसके शेकिंग नहीं हो रहा इसका। चलो बढ़िया, स्टार्ट करें। तो कहाँ है भाई रिंग लाइट? तो ये है, अच्छा कलर मोड का लिए बटन है और इंटेंसिटी के लिए। ओके इसको आई थिंक ओके, ये रिंग लाइट लग गई है। यहाँ पे ये स्क्रू टाइप कुछ स्क्रू है जिससे हम इसको रिंग लाइट को अटैच कर देते। बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल तरीका मुझे ये लगा कि इसको इसमें लगाया और इसको ऐसे दिखाते हैं। यस, इसको रिंग लाइट को इसमें लगाया और यहाँ से टाइट कर दिया, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि इस रिंग लाइट को अटैच करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। और तो इसको ऐसे ही रोटेट भी कर सकते हैं, देखिए और यहाँ स्क्रू है उसके अकॉर्डिंग आप टाइट भी कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में आपको रिंग लाइट चाहिए? हाँ, सपोज आप फूड का बना रहे हो तो आप ऐसे करके फूड का कर सकते हैं, और या किसी भी एंगल में 180 एंगल में आपको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये रिंग लाइट सेट हो गई है। अब पावर प्लग कहाँ है इसका, चलो देखें कहाँ है। अब चेतना बिल्कुल ब्राइट करेगी एकदम, हाँ देख लो दिन बदल गए चेतना के। बदलेंगे जब मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ यार प्लीज सब्सक्राइब करो यार, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो तो बोल दो कुछ ऐसा, बोलो कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे प्लीज को प्लीज करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बोलते हैं तो नहीं करते हैं। अच्छा धमका रहा हूँ मैं अब देखो यार अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो यार, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, न्यू न्यू आइडिया आते हैं, स्ट्राइक करते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं यार यार सब्सक्राइबर तो नहीं है लेकिन हमारे पास आइडिया बहुत है, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक है यार, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे किसी के साथ, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, न्यू आइडिया हमें बहुत आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के पीछे एक अगर पुश मिले अगर आप लोगों के साथ तो एक अच्छा है, वेल एंड गुड होगा। क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज लाने से पहले कुछ व्यूज नहीं आते, क्योंकि लोगों को सिर्फ हॉल्स देखना पसंद है। हाँ मुझे हॉल्स बनाना अच्छे लगते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार बस बहुत हो गया, इतनी शॉपिंग हर कोई थोड़ी करता है, तो क्रिएटिव आइडियाज लाने का मन करता है बट उस पर व्यूज नहीं आते हैं। सो मैं वही हॉल्स वीडियो बनाती हूँ ताकि व्यूज आ जाए। ओके चलो बैक टू द पॉइंट, तो ये है माउंट जो हमें साथ में मिला है। ओके और इसके साथ स्क्रू भी है, वो कहाँ होगा चेतना उसमें देखो, ब्लैक में, हाँ ब्लैक बैग में। चलो तो हाँ अब ये देखिए, ये हमें स्क्रू मिले हैं माउंट को सेट करने के लिए। अच्छा अच्छा अब ये देखिए, इसमें ये एक पॉइंट और है, इसमें हम आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं। ओके कैमरा है, ये भी मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा, अटैच करके दिखाएंगे आपको सब कुछ दिखाएंगे लाइव। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आई थिंक ये कैमरा के लिए है, जस्ट मिनट। तो पहले कैमरा सेट करके दिखा दें। हाँ पहले कैमरा, हाँ क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए गाइस, इसमें एक्चुअली दो स्क्रू है। अगर सिर्फ मोबाइल का माउंट अगर लगाना है तो ये डाउन साइड वाला, अगर सिर्फ इसको अटैच कीजिए, और कैमरा भी लगाना है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं साथ में।
ओके अच्छा ये जो सिल्वर वाला है वो सिर्फ मोबाइल के लिए है? ऐसा कुछ नहीं, कैमरा में क्या हमें रोटेट भी करना होता है, इवन मोबाइल भी हम लगा सकते हैं, ये हमें फैसिलिटी देता है कि आगे पीछे रोटेट कर सके। तो इस पे भी तो मोबाइल लगा सकते हैं? इस पे भी लगा सकते हैं, स्क्रू फिक्स कर देंगे ना? स्क्रू फिक्स कर सकते हैं, है ना। चलो फिर ये दीजिए अभी के गाइस, ये कैमरा सेट हो चुका है, अटैच कर दिया है और ऑन करें, कर दिया, या क्या बात है। उधर से दिखेगा या नहीं? नहीं इनको दिखाने के लिए ना। अब ये देखिए ये इंटेंसिटी है, अच्छा सेटअप लग रहा है, मतलब देख लो कि ऐसा लग रहा है मेरा स्टूडियो खुलने वाला है। ये देखिए ये इंटेंसिटी है, अच्छी है यार, बहुत अच्छा है। और ये है कलर मोड, वाओ ये वार्म हो गया, करेक्ट, ये कूल, यस। और इन मिडल आपको जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा कर सकते हैं, वैसे कूल अच्छा लगता है, है ना। और डिपेंड करता है, मैं कभी कभी फोन डिपेंड करता है, बनाती हूँ, कभी कभी डीएसएलआर से बनाती हूँ। अभी वैसे मेरे डीएसएलआर का माइक पोर्ट जो है वो खराब हो गया, तो अभी मेरे सारे वीडियोस फोन से ही आ रहे हैं, सो मैं फोन के अकॉर्डिंग इसको सेट करूंगी। बट रिंग लाइट बहुत अच्छी है, अच्छी है। प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये फोन के साथ में और कैमरे के साथ पे कैसे वर्क करती है, फोटो भी लेके दिखाएंगे आपको। ओके फोटो ले लेते हैं, तो ऐसे हम मोबाइल भी अटैच कर सकते हैं, करके दिखाएं। तो अब हम थंबनेल के लिए फोटो ले लेते हैं। मैं भी आ जाऊं? जैसा मैं बता रहा था ना आपको कि दूसरा स्क्रू काम इसलिए है कि हम इसको आगे पीछे रोटेट कर सके। अब ये देखिए गाइस ये माउंट है ऑलरेडी, ये देखिए आप इसको कैमरे में ना वो बॉल अटैच है ताकि आप इसको जैसे रिंग लाइट का बताया था ना कि नीचे पे जाती है, डाउन साइड पे जाती है, ऊपर पे जाती है, वैसे आप इसमें कैमरा सेट करने के बाद यहाँ पे बॉल आता है, उससे आप इसको अप एंड डाउन स्ट्रेट जैसे चाहो वैसे आप कैमरे को भी सेट कर सकते हो। जैसे हम ट्राइपॉड सेट करते हैं ना, बस वैसे ही किसी भी एंगल में उस टाइप से, यहाँ पे एक बॉल है उसके हेल्प से आप इसको सेट कर सकते हो। ओके देन अभी हम इसमें मोबाइल अटैच करके बताएंगे, मेरा मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए हम अजय का मोबाइल अटैच करके बताएंगे। सो ये माउंट हमने सेम स्क्रू पे लगाया है और इस पे हमने फोन सेट कर दिया है, सो अब हमारा फोन भी आ गया रिंग लाइट पे, रिंग लाइट पे फोन भी आ गया है, तो मतलब दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और अब हम थंबनेल के लिए फोटो ले लेते हैं। यस अब हम करने जा रहे हैं रिंग लाइट की टेस्टिंग। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो तो रिंग लाइट ऑन है नॉर्मल मोड में, जैसे कि वाइट रहता है, अब इसके मोड चेंज करते हैं। ये सबसे डिम वाला, ये बंद ऑफ हो गया है, ये ऑफ कंडीशन में आप देख रहे हो, ऑन करो। ये डिम वाइट लाइट है, अब ये इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये फुल वाइट लाइट है। अब कलर मोड चेंज कर रहे हैं, ये येलो कलर मोड है, लाइट येलो, अब ये वार्म टोन का जो कलर मोड है वो है ये फिर से वाइट लाइट की ओर जा रहे हैं हम। सो ये एकदम वाइट लाइट आ गई। तो आपने देखा कि रिंग लाइट के मोड ऑप्शन के साथ मैंने चेंज करके दिखाया, सो आपको पता चल गया होगा कि ऑफ लाइट में कैसे रिकॉर्डिंग होती है एंड ऑन लाइट में कैसे रिकॉर्डिंग होती है। सो आपको कैसे लगा मतलब रिंग लाइट का ये वीडियो मुझे बताना, और मैं आपको कैमरे के साथ में भी रिकॉर्डिंग करके बताती हूँ मेरा जो DSLR है। ये है मेरा कैमरा, इसमें हमने नॉर्मल लाइट लगाई है और अभी वार्म लाइट लगाई है और ये डार्क वार्म है। अब वाइट लाइट लगाएंगे, ये वाइट लाइट है, ये ऑफ हो गई है रिंग लाइट। अब फिर से इंटेंसिटी को हम तेज करते हैं, तो कैमरे में क्वालिटी रिंग लाइट की बहुत अच्छी दिखती है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन। सो ये देख सकते हैं ये हाई इंटेंसिटी वाइट लाइट है, सो ये कैमरे की क्वालिटी है। सो गाइस आप लोगों को मेरा ये रिंग लाइट का अनबॉक्सिंग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताना। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि आप रिंग लाइट परचेस करो तो विथ स्टैंड ही परचेस करना, विदाउट स्टैंड वाली भी आती है, थोड़ी आपको रिजनेबल पड़ जाएगी विथ स्टैंड वाली। एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय बाय।